इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम फेसबुक पर ब्लू टिक यानी वेरिफिकेशन बैच ले सकते हैं हमारी प्रोफाइल के लिए या फिर हमारे फेसबुक पेज के लिए। आपने सेलिब्रिटी के नाम के आगे इस तरह का आइकन देखा होगा, तो हम इसी तरह का आइकन अपनी प्रोफाइल के लिए भी कैसे ले सकते हैं, हम यही देखने वाले इस वीडियो के अंदर। वैसे आज के दौर में ब्लू टिक पाना इतना आसान नहीं है, अब इस पर उन्होंने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, पर कोई भी चीज़ मुश्किल हो सकती है, नामुमकिन नहीं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ब्लू टिक किन किन अकाउंट्स को मिलता है, इसे पाने का क्या क्राइटेरिया हो सकता है और आपको ये कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्वागत है आपका इस चैनल पे, मेरा नाम है सैयद सिद्दीक और आप देख रहे हो डिजिटल वेंचर्स। तो ब्लू टिक यानी वेरिफिकेशन बैच सबसे आसानी से मिलता है सेलिब्रिटी, पब्लिक फिगर और ब्रांड्स को। तो अप्लाई करते समय आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो। अगर आप सेलिब्रिटी नहीं हो और आप सेलिब्रिटी फील्ड में अप्लाई कर रहे हो तो भूल ही जाइए कि आपको ब्लू टिक मिलेगा। नॉर्मल पीपल के लिए सेलिब्रिटी फील्ड में बहुत ही मुश्किल है ब्लू टिक मिलना। सबसे आसान है डिजिटल क्रिएटर, ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर के लिए, तो आप इसी फील्ड के अंदर अप्लाई करना अगर आप ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। उसके बाद और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है ब्लू टिक के लिए अप्लाई करते समय, उसके बाद आपका अकाउंट रियल होना चाहिए। अगर आपने किसी और का नाम कॉपी करके अकाउंट क्रिएट किया है तो उसके ऊपर आपको ब्लू टिक नहीं मिलेगा, और अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आपका बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद आपका अकाउंट कंप्लीट होना चाहिए, जैसा कि आपकी प्रोफाइल में अबाउट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, प्रोफाइल फोटो होना चाहिए और एटलीस्ट वन पोस्ट आपकी होना चाहिए, और पोस्ट पर इंगेजमेंट ज़्यादा आना चाहिए आपके। और अगर आप पेड प्रमोशन करते हो इंगेजमेंट लाने के लिए, तो पेड प्रमोशन का कंटेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा ब्लू टिक के लिए अप्लाई करते समय। और ब्लू टिक के लिए अप्लाई करते समय आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका अकाउंट डिलीट भी हो सकता है। तो ब्लू टिक के फायदे क्या है, तो मान लो आप एक बड़े ब्रांड हो या फिर आपका एक बड़ा ब्रांड है या फिर आप बड़े कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपके जैसे लोग डुप्लीकेट अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, तो उन डुप्लीकेट्स अकाउंट में और आपके अकाउंट में क्या फर्क रह जाएगा। तो अगर आपको ब्लू टिक मिलता है तो इसी से यूजर्स को पता चलता है तो ओरिजिनल अकाउंट ये है जिस पर ब्लू टिक मिला है, तो बजाय डुप्लीकेट अकाउंट से इंगेज होने के वो आपके साथ इंगेज हो जाती है। और अगर आपको ब्लू टिक मिलता है तो फेसबुक भी आपको नॉर्मल पीपल की जैसा ट्रीट नहीं करता है, वो आपको एज अ सेलिब्रिटी या फिर पब्लिक फिगर मानता है। और काफ़ी सारे फायदे हैं ब्लू टिक को लेने के, तो इसीलिए हर कोई ब्लू टिक लेने के लिए मरता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है ब्लू टिक के लिए। तो उसके लिए आपको आना है फेसबुक के ऊपर, और मैंने यहाँ पे एक पेज ओपन किया है जहाँ से फेसबुक के ऊपर हम ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस पेज के ऊपर आ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको हेडलाइन मिलती है रिक्वेस्ट अ ब्लू वेरिफिकेशन बैच। तो यहाँ से हम फेसबुक के ऊपर ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई कि किन अकाउंट्स को मिल सकता है, इसे पाने का क्या क्राइटेरिया होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगा, आप जब इस पेज के ऊपर आओगे तो आप वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो आपको मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताता हूँ किस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि आप पेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे पेज के लिए ब्लू टिक के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पेज को सेलेक्ट कर लिया। अगर आप प्रोफाइल के लिए ब्लू टिक चाहते हो तो आपको प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पेज सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद आप किस पेज के लिए यहाँ पे ब्लू टिक लेना चाहते हो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे डिजिटल वेंचर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप किस कैटेगरी के अंदर ब्लू टिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर, ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर के अंदर अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद आप किस कंट्री से हो वो यहाँ पे कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट आईडी प्रोवाइड करनी होगी, जैसा कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक यहाँ पे आपको प्रूफ ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक प्रूफ ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे आपको कुछ प्रूफ देना होगा आपके पेज और आपके प्रोफाइल के बारे में। प्लीज़ शेयर वाई दिस फेसबुक पेज और प्रोफाइल शुड बी वेरीफाइड, वो क्यों आपके पेज और आपके प्रोफाइल को वेरीफाइड करे, वो रीज़न आपको यहाँ पे देना होगा। आपके पेज और आपके प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको लिखना होगी जिससे वो आपके पेज और आपके प्रोफाइल को वेरीफाइड करे। तो मैंने यहाँ पे कुछ नोटपैड में कॉपी करके रखा था, मैं इसे करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ इसे पेस्ट। इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग लिखना है कि वो आपकी प्रोफाइल को वेरीफाइड कर सके। उसके बाद आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको कुछ कमेंट्स यहाँ पे ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आप इन्हें फिल करना चाहो तो कर सकते हो। मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ और सिंपली आपको कर देना है सेंड।
तो आपकी रिक्वेस्ट चले जाएंगी वेरिफिकेशन बैच के लिए फेसबुक के पास। तो आप फेसबुक आपके पेज और आपके प्रोफाइल को चेक करेगा कि आपका पेज और आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है ब्लू टिक के लिए। अगर वो एलिजिबल होंगी तो ब्लू टिक आपको 100% मिल जाएगा, और अगर आपका पेज और आपकी प्रोफाइल एलिजिबल नहीं होंगी तो आपको यहाँ पर ब्लू टिक नहीं मिलेगा। तो जिन जिन रीजंस के लिए भी आपको ब्लू टिक नहीं मिला है आपको फुलफिल करनी होंगी आपके पेज और आपके प्रोफाइल के अंदर, और उसके बाद फिर से आपको अप्लाई करना होगा ब्लू टिक के लिए। उसके बाद हो सके आपको ब्लू टिक मिल जाए। तो इस तरह से ब्लू टिक के लिए अप्लाई किया जाता है फेसबुक के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम फेसबुक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते हैं डेली बेसिस पे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।